आज हम बनाएंगे लाल लाल टमाटर की मसाला पूरी, जो गुब्बारे की तरह फूली फूली हुई, न भरने का झंझट, न ही इससे फटने का डर। इसे ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, चाय के साथ बना के इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। हाय, मैं हूँ सीमा, स्वागत करती हूँ आपका अपने कुकिंग चैनल में। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यहाँ पे टमाटर मसाला कचौड़ी के लिए हमने 3 लाल लाल बड़े बड़े टमाटर लिए हैं, जिससे बड़े बड़े टुकड़े में हमने इसे कट करके मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिए। इससे हम पेस्ट तैयार करेंगे। 1 इंच अदरक के टुकड़े, कुछ लहसुन की कलियाँ 8-10 और 4-5 हरी मिर्च हमने इसमें डाल के इसे एक महीन पेस्ट तैयार कर लेना है। ये पूरी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही फ्रेंड्स स्वादिष्ट लगते हैं। आप इसे एक बार बनाएंगे, इसे बार बार बनाएंगे। अब इसे एक बड़े से बाउल में सारे पेस्ट को निकाल लेना है। बचे हुए प्याज को भी हमने इसमें बड़े बड़े पीसेज कट करके और टमाटर को, फिर बाद बाकी बचे सारे को हम इसी तरीके से पेस्ट तैयार कर लेंगे और बाउल में इस सब को एक साथ हम पलट के तैयार कर लेंगे। अब कचौड़ी को टेस्टी बनाने के लिए, चटपटा बनाने के लिए अब हम इसमें डालेंगे मसाला। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून मिर्ची पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं। चुटकी भर अजवाइन डालेंगे और चुटकी भर मंगरेला इसमें डालेंगे। 1/2 टीस्पून करीब कसूरी मेथी इसमें हमने ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हमने इसे क्रिस्पी और करारी बनाने के लिए, खास्ता बनी रहे कचौड़ी, इसके लिए हमने यहाँ 2 चम्मच के करीब चावल के आटा ऐड किया है। यहाँ पे आप सूजी भी ऐड कर सकते हैं। पूरी हमारी और भी टेस्टी और खास्ता बनी रहे, जिसके लिए यहाँ पे हमने शुद्ध घी 3 चम्मच के करीब इसमें हमने डाले। यहाँ पे सफ़ेद तिल बड़े 1 चम्मच के करीब हमने इसमें सफ़ेद तिल को भी हमने ऐड किया, जिसे क्रंची ये खाने पे आएगा। यहाँ पे बारीक कटे हुए धनिया पाउडर 2 चम्मच करीब हमने इसमें ऐड किया। अब सारे मिश्रण को हम एक साथ मिला लेंगे कि नमक और सारे मसाला एक साथ अच्छे से मिल जाए। अब बारी बारी से करके इसमें हम आटा डालेंगे। आटा इस एक साथ हम पूरे आटा को इसमें नहीं डालेंगे, 3 टमाटर है तो उसमें जितना आटा इसमें लग जाए उसी अनुसार हम डालेंगे, एक साथ ज़्यादा आटा नहीं डालेंगे। और पानी इसमें हमें कहीं भी नहीं डालना है, हमें टमाटर के ही जूस से पूरे आटा को तैयार करना है, जिससे हमारी कचौड़ी और ही ज़्यादा चटपटी और टेस्टी बनी रहेगी। यहाँ पे आटा को सख्त डो लगाना है, रोटी से थोड़ा सख्त, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इससे हम ढककर 10 मिनट के लिए इसे सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक इधर टमाटर का चटनी बना लेते हैं। 1 टमाटर कट करके हमने मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया, कुछ लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक टुकड़े, पिकल जूस और नमक डाल के हमें इसे एक चटनी तैयार कर ली है। टमाटर का चटनी इधर झटपट में हमने तैयार की। जब तक मेरा आटा उधर सेट हो रहा है तब तक इधर हमने चटनी बना ली। यहाँ एक रायता भी हम तैयार कर लेते हैं। थोड़े से मार्केट वाली बूंदी हमने यहाँ पे यूज किया, थोड़े से 4 चम्मच बूंदी और उसमें दही, काला नमक, गोल मिर्च पाउडर हल्का सा डाल के हमने यहाँ पे एक रायता भी तैयार कर लिया। बारीक कटे हुए प्याज और धनिया पत्ती ऊपर से डालेंगे। यहाँ पे हमारा रायता और चटनी तैयार है। तब तक यहाँ सेट हो चुका है आटा पूरा, अच्छे से मेरा डो कंप्लीट हो चुका है। पूरी तलने के लिए हमने यहाँ पे रिफाइंड यूज किया है। अब इसे डो को हम बीच से 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे और 1 भाग को हम अच्छे से इसे रोल की तरह लपेटेंगे और छोटी छोटी लोई हम इससे बना लेंगे। सारे लोई को एक साथ इकट्ठे हमने यहाँ पे बना लेने हैं और सारे की पूरी बेल के हम एक साथ पूरे को हम तैयार कर लेंगे। कचौड़ी और ज़्यादा टेस्टी हो, इसके लिए हमने यहाँ पे सफ़ेद तिल 2 चम्मच के करीब यहाँ पे हमने यूज किया है। ऑप्शनल है, आप चाहें तो बिना तिल के भी आप पूरी बना सकते हैं। यहाँ पे हमने सबको दोनों तरफ से हल्के हल्के तिल लगा के और पूरी को हमने यहाँ पे सारी पूरी को बेल के तैयार कर लिया। तिल से कचौड़ी और ज़्यादा टेस्टी और क्रंची लगा। इधर रिफाइंड गर्म हो चुका है, फ्लेम को मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना है, जिससे पूरी हमारे जले नहीं। और जब एक तरफ ब्राउन हो जाए तब दूसरी तरफ इसे हम पलट देंगे, दूसरी तरफ गोल्डन ब्राउन हो जाए तो सारी पूरी को हम निकाल लें। यहाँ पे आप कचौड़ी को देख के अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी क्रिस्पी और करारी हमारी कचौड़ी बनके खास्ता तैयार हुई है। अब यहाँ पे जल्दी में अगर बनाना हो तो एक बड़ी सी रोटी तैयार कर लें, बड़ी रोटी, और ग्लास से कटोरी से उसका कट लगा के और झटपट में ढेरों पूरी एक साथ
तल लें। जैसा कि आप देख रहे हैं एक साथ 10-12 पूरी आराम से निकल जाती है। और इसे सेम तरीके से एक तरफ जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो दूसरी तरफ इसे पलट लें और ऊपर से हल्के हल्के रिफाइंड गर्म रिफाइंड डालें, जिससे और खिल के और गुब्बारे की तरह आपकी कचौड़ी बन जाएगी। तो लीजिए, तैयार है टमाटर का चटपटा मसाला पूरी। इंजॉय विद फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसे दही के साथ, रायता के साथ, अचार के साथ, चटनी के साथ, जिसके साथ खाना चाहे इंजॉय। झटपट में बनने वाली रेसिपी है, इसे आप सफर में भी ले जा सकते हैं। 3-4 दिन तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, जैसे कि तैसे बनी रहेगी। घर पे गर्मा गर्म बनाना है तो फ्रिज से डोत निकालें और एक वीक तक इसे आप ट्राई कर सकते हैं, गर्मा गर्म खा सकते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।